मध्य प्रदेश इतना आगे चला गया कि उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला। बिना विशेष राज्य के दर्जे के मध्य प्रदेश आज विकसित राज्य की पंक्ति में आकर खड़ा है। काम करने वाला चाहिए और ठीकरा फोड़ना आसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। चुनाव आते ही नीतीश कुमार और लालू यादव केंद्र के पास कटोरा लेकर भीख मांगने पहुंच जाते हैं, ऐसा कहना है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का। आज बापू सभागार में भाजपा के कार्यक्रम के बाद सभा को संबोधित करते हुए सुशील मोदी ने कह दिया कि नीतीश और लालू चुनाव आते ही केंद्र के पास कटोरा लेकर भीख मांगने पहुंच जाते हैं। नीतीश सरकार पर हमलावर होते उन्होंने कहा कि आज ये लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का मांग कर रहे हैं, लेकिन ये तब कहां थे जब इतने वर्षों से लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार बिहार में थी। लालू यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के और लगभग 18 वर्षों से नीतीश कुमार भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इतने वर्षों में उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलाया? अब अचानक चुनाव के नज़दीक आते ही ये लोग केंद्र के पास ये मांग लेकर क्यों पहुंच गए? साथ ही उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव अपने माता पिता से पूछें कि आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलाया गया है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सुशील मोदी, हम आपको पहले सुनाते हैं। मध्य प्रदेश इतना आगे चला गया क्या उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला? बिना विशेष राज्य के दर्जे के मध्य प्रदेश आज विकसित राज्य की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया। काम करने वाला चाहिए और ठीकरा फोड़ना आसान है। केंद्र के माथे पर ठीकरा फोड़ देंगे, पैसा नहीं दे रहे हैं, फलाना नहीं कर रहे हैं, बहाली करते जा रहे हैं शिक्षक की, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, छठ में 3 महीने का तनख्वाह नहीं मिला बिहार के नियोजित शिक्षकों को। इसलिए मेरे मित्रों, आज झलकरी भाई जयंती के अवसर पर मैं बिहार के लोगों को और आश्वस्त करना चाहूँगा कि इनके झांसे में मत आइए। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा फलाना चिलाना, इसी प्रकार चुनाव नज़दीक आया है। 7 साल कहाँ थे नीतीश कुमार? चुप्पी साधे हुए थे, अब अचानक विशेष राज्य का दर्जा आ गया। इसलिए मित्रों, बीजेपी ने आरक्षण का समर्थन किया, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। तो चूँकि बोलने का पूरा मौका था तो मुझे लगा कि जितना मटेरियल है मेरे पास वो सब उड़ेल दें आपके पास, तो इसलिए मित्रों फिर से एक बार प्रवीण ताती जी को खास बता दें, सोनिया गांधी ने, ये मनमोहन सिंह ने 2013 में राज्यसभा में घोषणा की थी कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि जहाँ तेलंगाना अलग हो गया था लेकिन कांग्रेस 1.5 साल तक रही सत्ता में, आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो मित्रों, अभी विशेष राज्य का दर्जा, अरे आपको तो मदद चाहिए ना। नरेंद्र मोदी ने 2015 में बिहार को 1,40,000 करोड़ का पैकेज दिया, किसी राज्य को पैकेज नहीं मिला, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं था। इसलिए 1,40,000 करोड़ का बिहार को विशेष पैकेज दिया। आनंद किशोर जी बैठे, ये 4 लेन 6 लेन का जाल बिछ रहा है, क्या बिहार सरकार के पैसे से बिछ रहा है? ये एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, बिजली के क्षेत्र में काम हो रहा है, पेट्रोलियम के क्षेत्र में काम हो रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में काम हो रहा है, किसके पैसे से हो रहा है? ये नरेंद्र मोदी ने जो बिहार को पैकेज दिया। और इतना ही नहीं, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब लालू यादव केंद्र में मंत्री थे 2004 से लेकर 2009 तक, और फिर राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से 14 तक सरकार चल रही थी, उस समय बिहार को केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में जितना मिला और नरेंद्र मोदी के 9 साल में जितना मिला, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार को 4.5 गुना ज़्यादा मिला है, 4.5 गुना ज़्यादा केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में, 4.5 गुना ज़्यादा, और सहायक अनुदान के रूप में 3.5 गुना ज़्यादा, 5.5 गुना ज़्यादा पैसा मिला है। तो नीतीश जी जिस कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर सरकार चला रहे, उसने जितनी मदद की बिहार को, उसे 7 गुना ज़्यादा मदद नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार को कर रही है। यहाँ और 1.5 लाख करोड़ अलग से, फिर 10 लाख करोड़ नाचे न जाने अंगना टेढ़,
मैं भी 13 साल वित्त मंत्री था, कभी पैसे की दिक्कत नहीं होने दिया। और मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बिहार की जनता को, ये लोग तो 75 साल में बिहार का विकास नहीं कर पाए, अब कटोरा लेकर पहुँच गए हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। कहते हैं कि 2.5 लाख रुपया देंगे प्रत्येक गरीब को, अरे 5 लाख दीजिए, खजाने में पैसा तो होना चाहिए। कल बिजली माफ़ कर देंगे, कल कर्जा माफ़ कर देंगे, और पहुँच जाएंगे केंद्र की सरकार के पास कि हमने माफ़ कर दिया, हमको पैसा दीजिए, हमारी मदद कीजिए। तो आपके पास जितना पैसा होगा उतनी मदद करेंगे ना। इसलिए मित्रों, मैं बिहार की जनता को इस मन से आश्वस्त करना चाहूँगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाइए, और 2025 में फिर से एक बार बिहार में भाजपा की सरकार बनाइए। अगर 24 और 25 में भाजपा की सरकार बनती है तो बिना विशेष राज्य के दर्जे के 10 साल में बिहार को महाराष्ट्र गुजरात के बराबर लाकर दिखला देंगे। कोई बिहार को जरूरत नहीं है विशेष राज्य के दर्जे की। अगर गुजरात आगे बढ़ गया, महाराष्ट्र बढ़ गया। आपने सुना बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी किस तरीके से नीतीश कुमार हो या लालू यादव किसी को नहीं छोड़ रहे थे। तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते नजर आ रहे थे कि आज जो तेजस्वी यादव मांग कर रहे हैं, अपने माता पिता से जाकर पहले पूछे कि इतने वर्षों में वो लोग क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला पाए। साथ ही उन्होंने जातीय गणना को लेकर भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा और फिर से ये आरोप लगाया कि इसके रिपोर्ट में कुछ जातियों की संख्या बढ़ाकर तो कुछ की संख्या घटाकर दिखाई गई है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कह दिया, नीतीश सरकार को घेरते हुए कह दिया कि अब ये लोग अचानक से चुनाव नजदीक आते ही विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो ये लोग कटोरा लेकर केंद्र सरकार के पास भीख मांगने पहुंच जाते हैं। किस तरीके से तंज कस रहे थे सुशील मोदी, हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।